मैं अपनी बात रखने से पहले जो 9 सूत्रीय कार्यक्रम मांग पत्र के अंदर रखा है, दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा तहे दिल से होश आवाज के साथ आज के धरने में उठाई हुई उन तमाम मांगों का पुरजोर समर्थन करता है और भविष्य में भी इस संगठन को देश के किसी भी कोने में जहां पर भी आवाज उठेगी संपूर्ण समर्थन देने और सहयोग देने की घोषणा करता है। दोस्तों, ये धरना बहुत ही ऐतिहासिक धरना है। ये धरना ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि अब धीरे धीरे दलितों को और मुस्लिमों को ये पता लगने लगा है कि हम लोगों के अधिकार जब तक सुरक्षित नहीं हो सकते जब तक हम सब लोग एकजुट होकर के संघर्ष की लड़ाई को नहीं लड़ेंगे। देश की आजादी के 72 साल गुजर जाने के बाद भी देश के अंदर आरक्षण के नाम पर जो तमाशा हो रहा है और मन चाहे लोगों को आरक्षण दिया जाता है, मन चाहे लोगों को आरक्षण छीन लिया जाता है, ये जो तमाशा हो रहा है, इस तमाशे से जानकारी हासिल करने के बाद देश के तमाम मुस्लिम संगठन आज आरक्षण की मांग को लेकर के जो मुखर हुए हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि आप लेट जागे लेकिन कम से कम अपने अधिकारों के लिए जागे और आगे आए। दोस्तों, 341 आर्टिकल के बारे में हमारे संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौलाना गुलाम सरवर साहब ने बड़े विस्तार से आपको बताया और किस तरीके से इस देश के अंदर इन ताकतों को अलग करने का षड्यंत्र रचा गया, किस तरीके से लोगों ने उस समय धार्मिक प्रतिबंध लगा करके हम लोगों को अलग करने का काम किया, ये सब विस्तार से बताया गया। मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है, विशेष रूप से मुस्लिम समाज के लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि दोस्तों, आज ये 72 साल इस देश की आजादी को हुए, इस देश के अंदर जिन लोगों के बहुत छोटे छोटे समुदाय हैं, जिनके छोटे छोटे टुकड़े हैं, उन्होंने आरक्षण की मांग को लेकर के पूरे देश के अंदर आंदोलन किया, आपकी आंखों के सामने है। अभी गुर्जर समाज राजस्थान के अंदर अपने आरक्षण को लेकर के आंदोलनरत रहा, उससे पहले हरियाणा के अंदर जाटों ने वहां पर पूरा भयंकर तरीके से आंदोलन चलाया, गुजरात के अंदर पाटीदार और महाराष्ट्र के अंदर मराठा। जब देश का हर नागरिक हर समुदाय अपने आरक्षण की बात लेकर के सड़कों पर उतर रहा है तो मुस्लिम समाज को भी आर्टिकल 341 पर लगी हुई मजहबी पाबंदी को दूर करने के लिए ये आवाज उठानी चाहिए और ये आवाज जब उठनी शुरू हुई है तो आप सब लोग जिन्होंने भी आवाज उठाई है आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैं आपको एक बात कह करके कि जो देश का दुर्भाग्य है और जो ये दोनों ही शक्तियां दलित और मुस्लिम की शक्तियां जो अलग अलग हुई, ये एक षड्यंत्र था लेकिन इस षड्यंत्र के पीछे हमारी भी दोस्तों बहुत बड़ी भूल रही है। देश के दलित को हिंदू कह करके लगातार हिंदूवादी ताकतें मुसलमानों के साथ भिड़ाती रही और जहां जहां पर भी दंगे देश के अंदर हुए, किसी भी दंगे का आप इतिहास उठा करके देख लें कि हिंदू और मुस्लिम के नाम पर होने वाला हर दंगा कभी हिंदू और मुस्लिम का दंगा नहीं था। सच्चाई यह है कि दलितों को हिंदू कह करके मनवादी ताकतों ने समय समय पर मुस्लिमों के सामने लड़ने के लिए खड़ा किया। घर जले तो दलितों के जले, दुकानें जली तो मुस्लिमों की जली, लेकिन हम इनकी चीजों को पहचान नहीं पाए। अब धीरे धीरे लोगों के अंदर जो जागृति आ रही है, धीरे धीरे लोगों के अंदर समझ आ रही है और सब लोग एकजुट हो रहे हैं तो ये सभी लोग जो है एक अच्छा संकेत है, सभी बधाई के पात्र हैं। हमारे छोटे भाई हनीफ खान जी ने और पासवान साहब ने जो संयुक्त रूप से इस मोर्चे को उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ाने का काम किया है, इस मुहिम को मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और उनके हर आने वाले समय में कदम से कदम मिला करके चलने की घोषणा करता हूं। जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय।